भारत सरकार को लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। ये पहले नहीं था, यूपीए की सरकार में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जबकि खाद्य सुरक्षा कानून यूपीए सरकार ने लाया। बाद में जो सरकारें आई, उन्होंने इस तरह का मापदंड और तकनीकी सिस्टम वो कर दिया कि बिना थंब का नहीं मिलेगा, ई पोस मशीन लगा दिया। उसमें कई तरह से लोगों को व्यवहारिक रूप से दिक्कत आ रही है, इसको हम भी समझ रहे हैं, लेकिन उसके लिए ऑप्शनल उनके नॉमिनी नॉमिनेट किया जा रहा है, लेकिन एक तरह से दिक्कत तो है। लेकिन अब भारत सरकार का गाइडलाइन है, नॉर्म्स है, उसको हमको फॉलो करना है। अगर उसका हम अनुसरण नहीं करेंगे तो राज्य को जो मिलने वाले सब्सिडी है सो बंद हो जाएगा। बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं मैं कि किसी का किसी से का। शिकायत आप राष्ट्रपति एक जी आदमी ने को खड़ा करो, अभी अधिकारी को सस्पेंड कर दूंगा मैं। आपके पास कोई आवेदन कलेक्टर जी होगा, के अंदर से आप लगातार अभी शिकायत अभी हो रही आवेदन है। लाओ, अभी सस्पेंड करूंगा। किसका राशन कार्ड नहीं बना है? यहाँ यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू है, 100% लोग जो मांगेगा उसको राशन कार्ड देना है, चाहे एपीएल हो चाहे बीपीएल हो, इसमें रोकने की तो कोई बात आप ही तो नहीं घर है। पहुंचा के भी देने की बात कर रहे हैं, हाँ, हमारे घर पहुंचा अभी के भी जो तो नहीं मितान होगा। जो योजना जो किसान बनाए घर हैं माननीय पहुंचाना मुख्यमंत्री चाहते जी ने, तो जो आवेदन करेगा उसी को हैं, ना। गांव गांव से जी भी क्यों आते हैं सर? क्या उसका नाम दीजिए ना, लिस्ट दीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।